हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लर्निंग स्टॉन् लर्न टू नो एंड नो टू लर्न फ्रेंड्स आज की क्लास में हम पी एस पी जेई में पूछे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसका एग्जाम हुआ था 2019 में इस क्वेश्चन पेपर में टोटल सेवेंटी टेक्निकल क्वेश्चंस से। हैं तो इसको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे ओके ये रहेगा पार्ट वन जिसमें हम क्वेश्चन नंबर वन से लेकर थर्टी तक डिस्कस करने वाले हैं ओके चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करिए इस क्वेश्चन में कहा है कि फॉर अ सेंकोनस मोटर दिस इज सेंकोनस मोटर द नेचर ऑफ स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स इफ टॉर्क इज ऑन वाई एक्सिस एंड स्पीड इज ऑन एक्स एक्सिस इज वॉट एक सिल्कोनस मोटर है Motor. इसकी स्पीड या वन ट्वेंटी एफ अपॉन पी राइट यानी कि सिंक्रोनस मोटर पर आप अगर जो लोड कितना भी डालोगे या तो आप फुल लोड डालो या फिर हाफ लोड या फिर टू बाई थर्ड लोड जितना भी लोड आप उस पर डालोगे उसकी जो स्पीड होगी वो स्पीड ही होगी स्पीड उसका होगा उसका variable हो सकता है according to the load. Okay? It means, मैं यदि स्पीड और टॉर्क का ग्राफ यदि मैं यहां पर दिखाऊं इसने कहा है कि टॉर्क को लेना है वाई एक्स पर ठीक है वाई एक्स पर हमने ले लिया है टॉर्क को और X पर इसने बोला है किसको लेने के लिए स्पीड को लेने के लिए तो स्पीड यहाँ पर है एक्स एक्सिस तो कैसा होगा स्पीड इसका फिक्स होगा स्पीड फिक्स होगा एन एस तो सपोज दिस स्पीड इज एन एस स्पीड ये है राइट यदि आप टॉर्क को बढ़ाते हैं इंक्रीज करते हैं तो भी स्पीड हमारा चेंज नहीं होगा सिर्फ स्पीड ही रहेगा इट मीन्स यहां पर जो लाइन आएगी वो ऐसी आएगी है ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल में है वाई एक्सिस के पैरेलल में राइट right. तो इसका आंसर क्या होगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस नो दिस इज इनकरेक्ट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ये ये होगा करेक्ट इट मींस ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि सिल्वर जो मेटल है वो गुड गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए या फिर सुपर कंडक्टर है सेमी कंडक्टर है बैड कंडक्टर है तो सिल्वर यहां पर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा सिल्वर सिल्वर के यदि कंडक्टिविटी की मैं बात करूं कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर इसकी जो कंडक्टिविटी है ये कॉपर से भी ज़्यादा होती है, गोल्ड से भी ज्यादा होती है एल्यूमिनियम से भी ज्यादा होती है, इसकी कंडक्टिविटी इट मींस सिल्वर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मेटल होगा राइट गुड कंडक्टर होगा ये वन ऑप्शन नंबर वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन यदि मैं कंडक्टिविटी का यहां पर ऑर्डर देखा तो सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी इससे कम होगा कॉपर की कंडक्टिविटी और इससे भी कम हो जाएगा गोल्ड की कंडक्टिविटी इससे भी कम हो जाएगा एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी और इससे भी कम होगा टंगस्टन का वेट वेट इससे कम क्या हो जाएगा टंगस्टन की कंडक्टिविटी ओके okay? तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होगी सिल्वर की लेकिन इसका हम वायर क्यों नहीं यूज करते बिकॉज़ ऑफ़ कॉस्ट, कॉस्ट और इसके साथ ये ब्रिटलनेस की वजह से और सबसे ज्यादा जो मेन रीजन है वो है कॉस्ट इसलिए हम इसका वायर यूज नहीं करते कॉपर की वायर हम यूज कर लेते हैं एल्यूमिनियम की वायर हम यूज कर लेते हैं ओके okay? लेकिन यदि मैं कंडक्टिविटी की बात करूं तो ये कॉपर और एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में ज्यादा कंडक्टिविटी इसके पास है सिल्वर के पास है आंसर okay? so, हो जाएगा ऑप्शन वन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री इस क्वेश्चन में क्या है डेफिनेशन ऑफ डिमांड फैक्टर इज वॉट डिमांड फैक्टर डिमांड फैक्टर क्या हो जाएगा मैक्सिमम डिमांड डिमांड फैक्टर दिस विल बी इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय टोटल कनेक्टेड लोड टोटल कनेक्टेड लोड ये हो जाएगा मैक्सिमम डिमांड ऑप्शन कौन सा सही होगा आप सेकेंड ऑप्शन में देख लेंगे मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय टोटल कनेक्टेड लोड यही हो जाएगा डिमांड फैक्टर इट मींस ऑप्शन टू विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर द डेफिनेशन ऑफ सिल्क्रस रिएक्टेंस

आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस ये और एक्स ए एल क्या है ये है आर्मेचर का लीकेज रिएक्टेंस दिस इज लीकेज रिएक्टेंस ओके तो इन दोनों का एडिशन होगा सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्सेस इज व्हाट दिस इज सिंक्रोनस रिएक्टेंस ओके, okay? सो so, पर ऑप्शंस को देख लीजिए आप ऑप्शन लास्ट ऑप्शन को देखिए कंबाइंड रिएक्टेंस ड्यू टू लीकेज फ्लक्स एंड आर्मेचर रिएक्टेंस, इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वहां से हमें रिएक्टेंस मिलता है ओके, okay? इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव इस क्वेश्चन में क्या कहना इन आई जो आई एड्रेस होता है उसकी बात हो रही है इन आई क्लास ए एड्रेस डैश बाइट इज रिजर्व फॉर नेटवर्क आई तो यदि मैं क्लास ए आई एड्रेस की बात करूं क्लास ए यदि मैं क्लास ए आईपी एड्रेस की बात करूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट बाइट होता है ये रिजर्व किया जाता है किसके लिए नेटवर्क आईडीज़ के लिए नेटवर्क आईडीज़ के लिए और इसके अलावा जो अदर बाइट्स होते हैं जैसा कि सेकेंड बाइट हो गया थर्ड हो गया फोर्थ हो गया ये सारे के सारे किसके लिए होते हैं ये सारे के सारे होस्ट आईडी के लिए रिजर्व किए जाते हैं पोस्ट के के लेकिन यदि यदि मैं क्लास बी की बात करूं, यहां पर तो बारे बारे में पूछा है। यदि क्लास बी के बारे में पूछा पूछा है, है होता, होता इसमें क्या होता ना, कि जो हमारा और प्लस सेकंड बाइट, दोनों को रिजर्व किया जाता है नेटवर्क okay? और जो रिमेनिंग आईडीज होंगे जो रिमेनिंग बाइट्स होंगे वो सब रिजर्व किया जाते हैं होस्ट आईडीज़ के लिए यदि मैं क्लास सी की बात करूं क्लास सी तो इसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बाइट रिजर्व किए जाते हैं नेटवर्क आईडीज़ के लिए राइट फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं इस क्वेश्चन में क्लास ए आईपी एड्रेस की बात किया गया है तो फॉर नेटवर्क आईडी तो ये हो जाएगा फर्स्ट बाइट यानी कि फोर्थ ऑप्शन रूबी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑफ नेटवर्क आईडी होंगे क्लास ए में तो क्लास ए आईपी एड्रेस में नंबर ऑफ नेटवर्क आई डीज नंबर ऑफ नेटवर्क आई डीज ये हो जाते हैं टू टू दावर सेवन माइनस टू राइट

अगर दोनों इनपुट इक्वल हैं जीरो जीरो हैं तो आउटपुट कितना होगा आउटपुट इसका हो जाएगा जीरो अगर ए हो जीरो बी हो वन तो आउटपुट कितना होगा आउटपुट हो जाएगा वन यदि ए हो वन बी हो जीरो तो आउटपुट कितना हो जाएगा आउटपुट हो जाएगा वन यदि दोनों वन हो फिर आउटपुट कितना हो जाएगा जीरो होगा तो यहां से आप देख सकते हैं कि जब दोनों इनपुट हमारा इक्वल है सेम इनपुट है है ना बोथ इनपुट आर सेम ये दोनों इनपुट जीरो है और सेम है तो आउटपुट क्या है आउटपुट है जीरो दोनों इनपुट सेम है वन है फिर भी आउटपुट कितना है जीरो है ये कौन सा लॉजिक गेट हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स और लॉजिक लॉजिक गेट ओके सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर थ्री फेज इंडक्शन मोटर इफ एयर गैप इज इंक्रीज, देन हैपन? थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात किया गया है इन केस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर अगर आप एयर गैप को इंक्रीज करेंगे एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर राइट तो एयर गैप जैसे ही इंक्रीज होगा मैग्नेटाइजिंग करंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा जो मोटर है थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो जो करंट को ड्रॉ करेगा मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा ड्रॉ करेगा वो वो करंट इंक्रीज हो जाएगा और जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो हाईली लैगिंग करंट होता है हाईली लैगिंग करंट होता है हाईली लैगिंग करंट ओके तो जब हाईली लैगिंग करंट है मैग्नेटाइजिंग करंट और ये इंक्रीज हो जाएगा इट मींस लैगिंग एंगल इंक्रीज हो जाएगा है ना लैगिंग लैगिंग एंगल इट मींस फाइव की मैं बात करूं लैगिंग एंगल फाइव फाइव की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो जब फाइव की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा यहां से जो पावर फैक्टर होगा कॉज फाइव ये क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा है ना तो पावर फैक्टर विल रिड्यूस ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए इफ थ्री इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट यहां पर तीन इंडक्टर को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है कनेक्टेड इन पैरेलल तो जब तीनों को पैरलर में कनेक्ट किया गया है चाहे वो इंडक्टर हो या फिर रेजिस्टर हो या फिर कैपेसिटर हो कोई भी एलिमेंट हो अगर उसको आपने पार्लर में कनेक्ट किया है इट मींस उन सब के अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो होगा सेम अगर सीरीज में कनेक्ट करोगे तो सारे एलिमेंट्स के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो होगा सेम यहाँ पर पैरलर में कनेक्ट किया गया है सो दैट वोल्टेज अक्रॉस ऑल द इंडक्टर्स विल बी सेम

इट मीन्स ये हो जाएगा मैक्सिमम वोल्टेज और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है वॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज इस वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यहां पर Vm को आप आप लिखोगे कितना टू हंड्रेड राइट यहां पर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कितना हो जाएगा थ्री हंड्रेड फोर्टीन रेडियन पर सेकेंड ये ये ओमेगा है और वी एम की वैल्यू कितनी है टू हंड्रेड राइट सो टू हंड्रेड वोल्ट यानी कि फोर्थ ऑप्शन रिव्यू द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर में क्या कहा है ना एट विच लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज कॉर्पोरेट मैनेजर ऑपरेट तो ये हो जाएगा टॉप लेवल राइट यानी कि फोर्थ ऑप्शन रिव्यू द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट इसमें पूछा है यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन सा है यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कौन कौन से होंगे एक हो जाएगा नैंड गेट दूसरा हो जाएगा नॉर गेट ये दोनों होते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट अगर जो बेसिक लॉजिक गेट बेसिक लॉजिक गेट की अगर बात किया जाए तो इसमें आ जाएगा एंड गेट और गेट एंड नॉट गेट राइट यहां पर यूनिवर्सल लॉजिक गेट के बारे में पूछा है तो नैंड गेट और नॉर गेट ये दोनों होते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट यहां पर ऑप्शन में देख लीजिए नॉर गेट अवेलेबल है सो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन यदि एक्स नॉर और एक्स और की बात की जाए तो ये दोनों स्पेशल गेट्स होते हैं राइट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इसमें क्या कहना है लाइट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड लाइट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड फ्रॉम अ लोमिनियस बॉडी इज नोन एज वॉट लाइट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड ये कहलाता है लोमिनस फ्लक्स यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर फॉर दिस लुमिनस फ्लक्स ही कहलाता है फ्लक्स जो डेफिनेशन होती है वही होती है लाइट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड यदि मैं इसके यूनिट की बात करूं जो लोमिनस फ्लक्स है उसके यूनिट की मैं बात करूं यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ लुमिनस फ्लक्स तो ये हो जाएगा ल्यूमेन जो लास्ट ऑप्शन है ल्यूमेन ये क्या है ये है इसका यूनिट लेकिन हमसे यूनिट नहीं पूछा है हमसे इसका डेफिनेशन पूछा है कि जो स्टेटमेंट है वो किसका डेफिनेशन है तो वो डेफिनेशन होगा लोमिनस फ्लक्स का ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन अ कैपेसिटेंस ऑफ फाइव माइक्रोफेर कैपेसिटेंस कितना है 5 माइक्रो फैरड व्हाट इज द स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर इफ डीसी वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट एक कैपेसिटर है सी इसकी वैल्यू कितनी है 5 माइक्रो इस कैपेसिटर के अक्रॉस एक 100 वोल्ट volt का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया गया है लाइक like दिस 100 वोल्ट राइट right? तो इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी

ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर विथ्स सर्कुट ओम्स लॉ इनमें से किसके लिए वैलिड होता है किस सर्किट में वैलिड होता है ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर लीनियर बायोलैट्रल नेटवर्क में लीनियर बायोलेट्रल नेटवर्क में यानी कि लीनियर बायलेट टर सर्किट में ओम्स लॉ वैलिड होता है लेकिन हाँ ध्यान रखना ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रीजन में ही वैलिड होता है वैसा रीजन जहां पर टेम्परेचर वेरिएबल हो वहां पर ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है राइट यहां पर हम लिखेंगे एंड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रीजन ओके पर देखो लीनियर सर्किट के लिए वैलिड होता है सो फर्स्ट ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इस में क्या कहना फ्लैट कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी कंपाउंड जनरेटर क्या है ये फ्लैट कंपाउंड है इज ऑप्टेन बाय कनेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग तो ये हमारा एक कंपाउंड जनरेटर है यदि मैं यहां पर शॉर्ट संट कंपाउंड की मैं बात करूं शॉर्ट संट दिस इज सीरीज वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग है यहां पर यह है आर्मेचर आर्मेचर वाइंडिंग के साथ पैनल में कनेक्टेड होगा शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग है दिस इज टर्मिनल ये अब यहां पर आपको क्या करना है ना आपको फ्लैट कंपाउंड बनाना है या फिर अंडर कंपाउंड बनाना है ओवर कंपाउंड बनाना है इन तीनों चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर यहां पर जो है है सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग का इसके साथ एक डाइवर्टर यूज कर वाइंडिंग so है उसका रेसिस्टेंस वेरिएबल हो सके राइट इसके रेसिस्टेंस को हम वेरी करा के तीन अलग अलग तरह के कंपाउंड जनरेटर को फॉर्म करते हैं एक होगा फ्लैट कंपाउंड एक होगा ओवल कंपाउंड एक हो जाएगा अंडर कंपाउंड ओके ऑप्शन को रीड कर लीजिए वेरिएबल रेसिस्टेंस अक्रॉस द सीरीज़ फील्ड वेरिएबल रेसिस्टेंस अक्रॉस सीरीज फील्ड इट मीन सेकेंड ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 60 एन इनकमिंग अल्टरनेटर इज टू बी सिंक्रोनाइज्ड विथ एन ऑलरेडी ऑपरेटिंग अल्टरनेटर ठीक है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट नेसेसरी टू बी सैटिस्फाइड यहां पर आपको क्या करना है ए एक ऑलरेडी अल्टरनेटर alter हमारा ऑपरेट कर रहा है उसके साथ एक इनकमिंग अल्टरनेटर को हमें सिंक्रोनाइज करना है उसको सिंक्रोनाइज करना है उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी जरूरी होती है फर्स्ट ऑप्शन देखिए सेम फ्रिक्वेंसी क्या ये मस्ट होता है यस, yes, ये मस्ट होता है। सेम वोल्टेज मैग्नीट्यूड ये भी मस्ट होता है सेम फेस सीक्वेंस ये भी मस्ट होता है लेकिन सेम प्राइम ओवर की स्पीड ये इंपॉर्टेंट नहीं है दिस इज नॉट मस्ट नॉट इंपॉर्टेंट ओके okay? तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है ना कि विच कंडीशन इज नॉट नेसेसरी टू बी सैटिस्फाइड ऑप्शन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू द बुलियन फंक्शन एक्स प्लस एक्स वाई इज वॉट क्या है ये एक्स प्लस एक्स वाई यहां से आपको क्या करना है x को कॉमन ले लेना है x को जब आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 1 y एंड व्हाट इज 1 y 1 y विल बी इक्वल टू 1 ओके यहां पर जो बुलियन ऑपरेशन यूज किया जाएगा 1 y इज इक्वल टू कितना होगा 1 होगा क्यों क्यों यहां पर 1 होगा क्योंकि 1 y में y को अगर आप 0 पुट करो तो क्या हो जाएगा वन प्लस जाएगा वन उसके बाद यदि आप वन की जगह पर y की जगह पर अगर आप वन पुट करो तो वन प्लस वन ये भी हो जाएगा वन राइट तो ये, right? ये. यहां पर एडिशन नहीं है जो वन प्लस वन जीरो होगा ओके लॉजिक ऑपरेशन है ये तो वन प्लस वन ये हो जाएगा वन राइट सो इसलिए वन प्लस वाई इज इक्वल टू वन तो एक्स इंटू वन यहां पर x इंटू वन ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा राइट right? सो so, x कहां पर है थर्ड ऑप्शन में है x सो थर्ड ऑप्शन में कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज अ फैक्टर यूज्ड व्हेन टू कॉइल्स टू व्हाट यहां पर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बारे में हमसे पूछा है कि क्या होगा सो so, क्या होता है के हो जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस एम अपॉन रूट ओवर एल वन इंटू एल टू दो इंडक्टर हैं एक का सेल्फ इंडक्टेंस है एल वन दूसरे का सेल्फ इंडक्टेंस है एल टू इन दोनों के बीच में म्यूचुअल कपलिंग है कपलिंग uh, है इसके बीच में तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आएगा एम राइट right? और एम को हम यहां पर फाइंड आउट करते हैं कॉफिशियंट ऑफ कपलिंग के रूट ओवर एल वन इन टू एल टू यही है कॉफिशेंट ऑफ कपलिंग के तो ये जो k है ये कहाँ पर मौजूद होता है इस फैक्टर को हम कहाँ यूज करते हैं इस फैक्टर को हम यूज करते हैं म्यूचुअली कपल्ड क्वाइल में ऑप्शन देख लीजिए थर्ड ऑप्शन में गिवन है आर म्यूचुअली कपल्ड इन अ मैग्नेटिक सर्किट सो थर्ड ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्स्ट क्वेश्चन शोन हि वॉट यहां पर जो सिंबल आपको दिखाया गया है ये कैसा है ये एक करंट सोर्स इज अंबल ऑफ करंट सोर्स और ये जो हमारा करंट सोर्स है ये इनडिपेंडेंट नहीं है दिस इज डिपेंडेंट करंट सोर्स और इसकी जो डिपेंडेंसी है वो किस पे है वोल्टेज पे है राइट right? तो ये क्या हो जाएगा वोल्टेज के वोल्टेज पे डिपेंड होने वाला ये करंट सोर्स है यानी कि वोल्टेज इसको कंट्रोल करेगा राइट वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है दिस इज वोल्टेज करंट सोर्स ओके ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए फॉलोविंग एग्जाम्पल ऑफेंसियन में से कौन सा सिक्वेंसियल सर्किट का एग्जाम्पल है तो सिक्वेंसियल सर्किट के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूं फ्लिप फ्लॉप हो जाते हैं फ्लिप फ्लॉप या फिर इसके बाद आप लेस भी ले सकते हो राइट जैसे कि एस आर फ्लिप फ्लॉप यूज करते हो जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करते हो

राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ मेनी इनपुट लाइंस आर देयर इन अ फुल एडर एक फुल एडर में कितने इनपुट लाइंस होंगे फुल एडर में टोटल तीन इनपुट लाइंस होंगे यहाँ पर देखो लास्ट ऑप्शन में क्या है थ्री सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन फुल एडर में तीन इनपुट लाइंस होंगे अगर हाफ एडर होता हाफ एडर में टोटल टू इनपुट लाइंस होते हैं राइट right? यहां पर मैं फुल एडर को ड्रॉ कर देता हूं एक बार एंड गेट उसके बाद यहां पर होगा एक्सोर गेट इसका कनेक्शन ऐसे होगा लाइक दिस दिस इज अ हाफ एडर राइट right? तो एक हाफ एडर हो गया उसके बाद क्या करना है ना एक दूसरा हाफ एडर हमें बनाना है इसके इस आउटपुट से एक दूसरा हाफ एडर हमें यहां पर फॉर्म करना है एंड गेट हो जाएगा ये और एक इनपुट यहां से है तो आप देख रहे हैं यहां पर टोटल तीन इनपुट्स होंगे ए बी और ये तीसरा सी तीन इनपुट लाइंस होंगे यहां पर भी एक होगा एग्जॉर्ब गेट यहां पर होगा

राइट right? ये एडर है ना तो ये एड करेगा तीनों इनपुट को तो इसका जो आउटपुट होगा सम जो होगा ये होगा ए एक्सोर बी सी राइट ये हो जाएगा ये है हमारा एक फुल एडर यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि फुल एडर को फॉर्म करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें यूज हुए हैं कौन कौन सा लॉजिक गेट हमारा यहाँ पर यूज हुआ है या फिर कौन कौन सा कॉम्बिनेशन यूज हुआ है तो आप लिख सकते हैं कि फुल एडर को फॉर्म करने के लिए एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि दो हाफ एडर लगे होंगे और प्लस वन और गेट लगा होगा आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फुल एडर को फॉर्म करने के लिए दो एंड गेट लगेंगे एंड गेट्स प्लस दो एक्सोर गेट लगेंगे प्लस वन और गेट लगेंगे ओके यहां से आप देख सकते हैं सारी चीजें यह है एंड गेट यह है दूसरा एंड गेट दो एंड गेट लग गया यह हो जाएगा एक्सोर गेट यह है दूसरा एक्सोर गेट और ये रहा और गेट ओके गे? इन सारे लॉजिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से हमें मिलता है फुल लेटर राइट यहां पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर फोर राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द कैपेसिटर इन सर्किट अपोजिट द सडन चेंज ऑफ वॉट जो कैपेसिटर है ये सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता तो है क्यों? क्योंकि जो कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो करता आई सी ये हो जाएगा सी डी वी अपॉन डी टी यहाँ पर अगर मैं कैपेसिटर की बात करूँ एक कैपेसिटर यहाँ पर है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा यहाँ पर यहाँ पर सपोज आप एक वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हो अगर आप इसके किए हुए voltage में sudden change लाते हो तो dv upon dt क्या हो तो क्या जाएगा? या फिर आप इसको नियर अबाउट इनफाइनाइट भी बोल सकते हो क्योंकि जीरो टाइम इंस्टेंट में आपने ह्यूज वोल्टेज को चेंज कर दिया तो इसकी सॉरी इसकी वजह से डीवी अपॉन डी टी की वैल्यू हो जाएगी वेरी वेरी हाई एंड सी इंटू डी वी अपॉन डी टी इट मींस वेरी वेरी हाई तो ये जो जो कैपेसिटर है इसमें ह्यूज करंट फ्लो करेगा आईसी विल बी इन फाइनाइट इन फाइनाइट करंट ये फ्लो करेगा दैट्स वाई ये अलाउ नहीं करता है सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को ओके इट मीन्स ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विच डिवाइस इज यूज टू मेजर फेज डिफरेंस बिटवीन ग्रिड वोल्टेज एंड वोल्टेज जनरेटेड बाय सिर्कुनस ऑल्टरनेटर एक सिर्कुनस अल्टरनेटर है जिसको आपने ग्रिड के साथ कनेक्ट किया है या फिर

कि जो सेकोनस जनरेटर की फ्रीक्वेंसी है और जो बसवार की फ्रीक्वेंसी है वो सेम होनी चाहिए इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज दोनों का वोल्टेज मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो नहीं होना चाहिए यानी कि जो फेज एंगल है वो होना चाहिए जीरो राइट तो इसी फेज एंगल को मेजर करने के लिए कि फेज एंगल इसका जीरो है या फिर नहीं है इसको मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो कहलाता है सिंक्रोस्कोप सिंक्रोस्कोप yeah. जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम यूज करते हैं ड्यूरिंग सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव ये जो हमारा सिंक्रोस्कोप है ये हमें बताता है कि किस इंस्टेंट पर सेक्नर जनरेटर और जो हमारा ग्रिड है उसके वोल्टेज के फेज एंगल के बीच में जो डिफरेंस है वो जीरो है राइट right? वो इंस्टेंट बताता है जिस इंस्टेंट पर इसका जो फेज डिफरेंस है वो जीरो है सो so दैट आप उस पर इसका जो सिंक्रोनाइजिंग स्विच है उसको आप क्लोज कर सकते हैं राइट right? स्विच को आप क्लोज करेंगे और ये जनरेटर हमारे बस बार से कनेक्ट हो जाएगा और दोनों हमारे सिंक्रोनाइज हो जाएंगे राइट right? तो इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो है सेंक्रोस्कोप ओके, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द सर्ज वोल्टेज ऑन ट्रांसमिशन लाइन्स कॉज्ड बाय लाइटिंग कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं जो कि मेजर करे सर्ज वोल्टेज को ऑन ट्रांसमिशन लाइन कॉज बाय लाइटनिंग तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होगा ये होगा किलोनोग्राफ ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अभी हम सिर्क्रोस्कोप को देख चुके हैं राइट वोल्ट मीटर तो जानते हो आप वोल्टा क्या होता है वोल्टा ये इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को ये मेजर करता है ये मत समझ लेना कि वोल्ट मीटर और वोल्टा मीटर सेम ही है और दोनों वोल्टेज को मेजर करेगा ऐसा नहीं है वोल्टा मीटर इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करता है राइट और जो किलोनोग्राफ है ये इंस्ट्रूमेंट हम यहां पर यूज करते हैं सर्ज वोल्टेज को मेजर करने के लिए ऑन ट्रांसमिशन लाइन कॉज बाय लाइटनिंग राइट सो फोर्थ ऑप्शन नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव इस क्वेश्चन में क्या कहा द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ ऑफ वोल्टेज हाई मैग्नीट्यूड एलेवन किलो वोल्ट हाई मैग्नीट्यूड का जो ए सी वोल्टेज है उसके आर एम एस वैल्यू को मेजर करने के लिए आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो हाई वैल्यू है ना हाई वैल्यू में आप ये इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करते हैं ये भी ईडी टाइप भी यूज नहीं करते मूविंग आयरन भी यूज नहीं करते हैं आप यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर कौन सा वोल्टमीटर यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है राइट right? इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है टी डी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ये क्या हो जाएगा ये होता है हाफ V square DC upon D theta. जिस तरीके से मूविंग आयरन में जो मूविंग होता है ना इसमें इसमें क्या होता है इसमें जो deflecting torque हो जाएगा half I square DL upon D theta. बिल्कुल इसी के सिमिलर इसमें होता है सिर्फ यहाँ पर करंट है तो इसमें वोल्टेज है यहाँ पर इंडक्टर है तो इसमें कैपेसिटर है राइट right? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर इट मीनस सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स लीकेज फैक्टर इन मैग्नेटिक सर्किट इज डिफाइंड एज व्हाट? लीकेज फैक्टर लीकेज फैक्टर हमारा होता है टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय यूजफुल फ्लक्स ये लीकेज फ्लक्स क्या हो जाएगा टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाई यूजफुल फ्लक्स टोटल फ्लक्स क्या होगा अगर मैं बोलूँ टोटल तो टोटल फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा उसमें से कुछ यूजफुल फ्लक्स होगा और कुछ लीकेज हो जाएगा राइट right? सो so, इसको मैं लिखूंगा फाइव यूजफुल प्लस लीकेज राइट सो लीकेज फैक्टर या फिर लीकेज कॉन्फिस भी हम लोग बोलते हैं इसको डिनोट करते हैं लेमडा से राइट सो लीकेज फैक्टर या फिर लीकेज कॉफिशेंट डिनोट करते हैं इसको लेमडा से ये हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा फाइव टोटल डिवाइडेड बाय यूजफुल फ्लक्स यानी कि फाइव यूजफुल ये यानी कि फोर्थ ऑप्शन लुबिदा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन वॉट विल बी द नंबर ऑफ सिलेंडर्स डिस्क, नंबर ऑफ सिलेंडर्स इन हार्ड डिस्क इन विच इज रिकॉर्डिंग सरफेस ट्रैक्स एंड ट्रैक इज डिवाइडेड इन टू सेक्टर्स, ठीक है ये कितना कितने में हुआ है? ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर ये इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कितने ट्रैक्स हैं तो एट ट्रैक्स हैं तो नंबर ऑफ सिलेंडर्स भी हो जाएंगे एट नंबर ऑफ सिलेंडर्स नंबर ऑफ सिलेंडर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रैक्स होते हैं नंबर ऑफ ट्रैक्स अगर नंबर ऑफ ट्रैक्स हो वन थाउजेंड तो नंबर ऑफ सिलेंडर भी हो जाएंगे वन थाउजेंड ओके okay. यहां पर इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रैक्स कितने हैं एट हैं तो नंबर ऑफ सिलेंडर्स यहां पर कितने हो जाएंगे एट हो जाएंगे राइट right? यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इन फॉरवर्ड रीजनरेशन मोड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर ड्राइव व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लिप एस फॉरवर्ड रीजनरेशन मोड ऑफ इंडक्शन मोटर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक एक बार ड्रॉ कर लेते हैं ये एक्सेस हो जाएगा टॉर्क राइट right? देखो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक इसका कैसा होता है ये ऐसे होगा ऐसे होगा यहां देखो यहां पर होगा स्लिप की वैल्यू वन जैसे स्लिप एक्सेस और ये हो जाएगा स्लिप की वैल्यू जीरो और इसके बाद जीरो के बाद स्लिप की वैल्यू यहां पर है नेगेटिव राइट स्लिप की वैल्यू ये होगी नेगेटिव और यही हमारा है रीजनरेशन मोड ऑफ इंडक्शन मोटर राइट यहां पर स्लिप की वैल्यू नेगेटिव यहां पर स्लिप की वैल्यू जीरो, जीरो यहां पर स्लिप के वैल्यू वन जीरो और वन के बीच में जब हमारा स्लिप की वैल्यू है यानी कि इस रीजन की यदि मैं बात करूं तो ये रीजन हमारा कहलाता है फॉरवर्ड मोटरिंग फॉरवर्ड मोटरिंग और ये जो रीजन है ये ये हमारा रीजनरेटिव रीजन हो गया ओके okay? और इधर ये जो रीजन है ये ये हो जाएगा ब्रेकिंग ओके okay? तो यहां पर रीजनरेशन मोड के बारे में पूछा है तो इसमें जो स्लिप हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव इट मींस फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन इस क्वेश्चन में क्या करना वन व्हाट इज इक्वल टू व्हाट यहां पर वन वॉट के बारे में आपसे पूछा है कि वन वॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो वन वॉट इज इक्वल टू होता है वन जूल पर सेकेंड वन जूल पर सेकेंड ये होता है वन वॉट राइट यहां पर वॉट हमारा है पावर जूल है एनर्जी और सेकेंड है टाइम ओके okay? लेकिन ऑप्शन में हमारा जूल गिवन नहीं है तो जूल को भी हम कन्वर्ट करेंगे वन जूल को हम क्या लिखेंगे वन जूल को हम लिखेंगे वन न्यूटन मीटर दिस इज न्यूटन मीटर सो 1 जूल विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर सो 1 वाट विल बी इक्वल टू 1 वाट को आप लिख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ओके okay? ऑप्शन देख लीजिए वन न्यूटन मीटर पर सेकंड पर सेकंड यहाँ पर है फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी व्हेन ऑल द एलिमेंट्स इन द सर्कल कैरी द सेम करंट देन इट इज कॉल्ड एंड व्हाट ये सीरीज में कहलाएगा सीरीज यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी वन विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज नॉट यूज फॉर ए सी सॉरी डीसी ड्राइव डीसी ड्राइव में इनमें से कौन सा मैथड यूज नहीं करते डीसी ड्राइव में हम यूज करते हैं कौन सा इसमें हम यूज करते हैं फुल कन्वर्टर इसमें हम यूज करते हैं सेमी कन्वर्टर चाहे आप फुल कन्वर्टर यूज करो चाहे आप सेमी कन्वर्टर यूज करो यहां से आप किसको कंट्रोल करते हो डीसी मोटर में जब आप फुल कन्वर्टर और सेमी कन्वर्टर करंट आप आर्मेचर करंट को कंट्रोल करते हो आर्मेचर के क्रॉस वोल्टेज को कंट्रोल करते, करते, करते हो और क्या करते हो यदि आप फुल कन्वर्टर या सेमी कन्वर्टर को फील्ड वाइंडिंग के साथ कनेक्ट करते हो तो आप फील्ड करंट को कंट्रोल कर लेते हो फील्ड करंट तो ये सारी क्वांटिटीज हमारी कंट्रोल हो जाती हैं डीसी ड्राइव्स में ओके, बाय यूजिंग फुल कन्वर्टर और सेमी कन्वर्टर जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग लेकिन यहां पर कौन सा कंट्रोल नहीं होगा थर्मल कंट्रोल यहां पर नहीं होगा सो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड थर्मल कंट्रोल इज नॉट यूज्ड राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये सिंगल फेस टू ग्राउंड फॉल्ट इज वॉट टाइप ऑफ फॉल्ट एस एल जी सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट चाहे सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो चाहे डबल लाइन फॉल्ट हो चाहे डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो ये सारे के सारे फॉल्ट हमारे कहलाते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाते हैं राइट right? तो यहां पर क्या हो जाएगा अनवि फर्स्ट ऑप्शन तो इसमें कौन सा फॉल्ट है थ्री फेज फॉल्ट जिसको हम ट्रिपल लाइन फॉल्ट कहते हैं या फिर ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की हम बात करते हैं ये होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट इसके अलावा सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट डबल लाइन फॉल्ट या फिर डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट यह हो जाएगा अन फॉल्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर इन सोर्स सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सर्किट में आप क्या करते हो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हो अगर आपके पास एक वोल्टेज सोर्स होता है उसको आप उसको आप करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हो अगर आपके पास करंट सोर्स होता है उसको आप वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हो यही कहलाता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है 20 ओम का का रेजिस्टर है है इसके साथ 100 वोल्ट एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड लाइक दिस ये क्या है ये है एक वोल्टेज सोर्स इसको आप कन्वर्ट करोगे एक करंट सोर्स में तो आप कैसे लिखोगे एक करंट सोर्स यहां पर होगा और इसके पैरेलल में होगा इसका रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस यही होगा जो यहां पर यूज किया गया यानी कि

और फिर इसको वोल्टेज सोर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर अगर ऐसा कोई पार्ट है किसी भी सर्किट में तो उसको आप ऐसे कन्वर्ट करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आफ्टर कन्वर्जन आपका कैलकुलेशन अगर इजी हो जाता है तो हम वहां पर ऐसा कन्वर्जन यूज करते हैं ओके okay? ऑप्शन को रीड कर लीजिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है वोल्टेज सोर्स इज ट्रांसफॉर्म्ड इन करंट सोर्स सो ऑप्शन राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहना व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन हिस्ट्रिस लॉस ऑफ ट्रांसफॉर्मर इफ आयरन लॉ आयरन कोर इज रिप्लेस्ड बाय एयर एयर कोर तो एयर कोर के केस में जो हमारा बीएच कर्व बनेगा वो कैसा होगा बी एच कव और आयरन के आयरन कोर के केस में हम देखते हैं बी एच कव बी एच दोनों ही केस में के हम देख लेते हैं कि बी एच कव कैसा होगा यहां पर देखो आयरन के केस में जो बी एच कव होगा स्टेट लाइन होगा ऐसा आयरन के केस में है आयरन कोर आयरन कोर के लिए बी एच कव हमारा ऐसा होगा राइट जब बी एच कब हमारा ऐसा है इसका एरिया कितना होगा ये तो स्ट्रेट लाइन है ना तो एरिया कितना हो गया जीरो तो जब आयरन कोर के बी एच कब का एरिया जीरो है इट मीन्स जो इसमें हिस्टेसिस लॉस होगा पी एच, ये भी हो जाएगा जीरो ओके okay? यहाँ पर देखो बी एच कब हम देखते हैं आयरन कोर का आयरन कोर का बी एच कब कैसा होता है आयरन कोर का बी एच हमारा ऐसा होगा लाइक दिस ऐसा बनेगा ये ओके okay? इसका एरिया क्या जीरो होगा नहीं होगा है ना इसका एरिया इज नॉट जीरो जब बी एच का एरिया जीरो नहीं है तो यहां पर हिस्ट्रेस लॉस भी जीरो नहीं होगा राइट इसने कहा है कि हिस्ट्रेस लॉस ऑफ ट्रांसफॉर्मर इफ आयरन कोर इज बाय एयर कोर अगर आयरन कोर को आप रिप्लेस कर दोगे एयर कोर से तो यहां पर ये ये मैंने मिस्टेक कर दिया ना आयरन कोर नहीं होगा ये होगा एयर कोर है है ये है iron core का, राइट right? देखो जब हमने क्या किया है ना आयरन कोर को रिप्लेस किया है air core से तो 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 के के केस में में जो इसका इसका का area होगा वो हो जाएगा जीरो, तो इसका हो जाएगा जाएगा तो बारे में पूछा है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव और ये होगा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन केबल इंप्रेग्नेशन मींस एप्लीकेशन ऑफ व्हाट कंपाउंड ऑन द पेपर यूज्ड इन केबल यहां पर जो हम जो जो केबल यूज करते हैं उसमें क्या क्या हम यूज करते हैं एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पे हम वहां पर इंसुलेटिंग ऑयल भी यूज करते हैं ये इंसुलेटिंग ऑयल होगा इसका करेक्ट आंसर जो कि हम यहाँ पर केबल में यूज करते हैं इसके अलावा हम पीवीसी भी यूज़ करते हैं इसके अलावा हम एक डिफरेंट पेपर भी यूज करते हैं या फिर हम रबर भी यूज करते हैं ये सारे मटेरियल्स को हम यहां पर यूज करते हैं ये, लेकिन यहां पर जो इंसुलेटिंग ऑयल है इंसुलेटिंग ऑयल को यूज करने से जो एक फायदा होता है वो क्या है इसको यूज करने से वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी इसमें आ जाती है राइट right? जो कि यूजफुल होता है हमारे केबल के लिए दैट्स व्हाई हम वहां पर इंसुलेटिंग ऑयल को यूज करते हैं ओके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। ओके तो आज के लिए बस इतना ही उसके बाद नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे और फिर 70 तक फिर उस हम करेंगे ओके okay? So thank you so much and bye bye.